हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। एंड यस, हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 4, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। ओके, आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं क्यूब का नंबर का। ओके, अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था बेसिक्स कंसेप्ट, जो कि क्यूब के थे, कि क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब्स आप कैसे निकालते हो। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी थी परफेक्ट क्यूब्स की। उसके बाद हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। ओके, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स, ताकि आपको ये सारे लेक्चर्स लाइन वाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, जो कि बेस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। आप कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे परफेक्ट क्यूब्स का। अभी तक आपने स्क्वायर का सीखा था, ठीक है, कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर की बातें अगर आपको थोड़ी भी में ध्यान होंगे, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें देख सकते हो, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब एक पेयर बनता है, पेयर का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ा, मतलब लाइक टू मल्टीप्लीकेशन टू। तो ये आपका जब एक प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या होता है, ये एक पेयर से बाहर निकलता है, ठीक है। ये कब होता है, ये जब आप बात करते हो परफेक्ट स्क्वायर की। जबकि यहाँ पे आपको नाम से पढ़ के समझ में आ रहा होगा परफेक्ट क्यूब, क्यूब का सेंस क्या होता है, थ्री। क्यूब से आप समझ रहे हो कि थ्री डिनोट कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा एन क्यूब, तो क्या लिखोगे, एन का पावर थ्री। क्यूब का सेंस ही आप समझ लोगे कि कोई चीज थ्री टाइम मल्टीप्लीकेशन करना। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बातें कौन सी चलेंगी, यहाँ बातें चलेंगी एक पेयर की जिसमें थ्री नंबर्स होंगे, दैट इज टू मल्टीप्लीकेशन टू मल्टीप्लीकेशन टू। ओके, यहाँ पे आपका ये डिफरेंस चलेगा। तो आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको थियोरेटिकली मैं रीड आउट करती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। लाइक यहाँ पे देखो, आपको गिवन है, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ परफेक्ट क्यूब ईच फैक्टर अकर थ्री टाइम्स एंड कैन बी ग्रुप टुगेदर इन ग्रुप ऑफ थ्री फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट अच्छे से समझाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का। लाइक मैंने आपसे पूछा कि क्या 27 एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप पहले सोचोगे कि कैसे बताओगे, क्या करोगे, आपको पता है ये ऐसी थ्री का क्यूब है, दैट इज ये थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, आप ऐसे इसे इसे लिख सकते हो। तो मैं इसे क्लियरली बोल सकती हूँ कि इसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं थ्री फैक्टर्स में, ठीक है, आप इस तरह से बता सकते हो। तो आपको यहाँ पे यही चीज समझनी है। अब यहाँ पे क्या है, दस इफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ ग्रुप ऑफ थ्री ईच, देन इट इज अ परफेक्ट क्यूब एज इट इज नॉट, ठीक है। आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि आप परफेक्ट क्यूब किसी को कैसे बोलोगे, जब तक कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, उसको ब्रेक डाउन करके आप उसको तीन ऐसे नंबर में ना लिख लो जो कि आपस में सेम हो, ग्रुप ऑफ थ्री नंबर जिनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो। जैसे अभी मैं आपसे कह दू कि क्या 9 आपका परफेक्ट क्यूब है, तो आप बताओ आप क्या लिखोगे, थ्री का स्क्वायर ही तो लिख पाओगे, दैट इज थ्री मल्टीप्लाई थ्री। तो ये तो भाई ये परफेक्ट क्यूब फिर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम इसका थ्री पेयर में नहीं बना सके, हम इसका ग्रुप ऑफ थ्री ईच में टर्म्स नहीं कर सके, हमें वही तो चीज करनी थी। इसी के अकॉर्डिंग अब लाइक मैंने आपसे पूछा कि क्या 8 क्यूब है परफेक्ट किसी का, बोलोगे यस, कैसे, क्योंकि ये हम इसे लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। अभी बना क्या, ये आपका बन गया 2 का क्यूब। इसका मतलब आप इजिली कह सकते हो कि यस, जो आपका 8 है ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये आपको एक पहचानने का तरीका यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो जब तक तो आप इसको नहीं समझोगे तब तक तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टोटली इसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि आप कैसे परफेक्ट क्यूब्स को पहचान सकोगे अगर आपको कोई भी नंबर गिवन होगा तो। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड करते हैं, अब आपको बहुत अच्छे समझना है। देखो, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बात समझाई कि परफेक्ट क्यूब वही होंगे जिनके पेयर्स पॉसिबल है। अभी मैंने आपको जस्ट यही बात समझाई, आपको यही बात यहाँ पे फॉलो करनी है। चलिए अब हम क्या करें, हमें निकालना है पहले 400 का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे करोगे तो 2 2 4 0, फिर आपने करा 200, फिर आपने करा 2 5 10 0, फिर आपने करा तो 225, ठीक है। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा होगा प्रोसेस, ये जब मैंने स्क्वायर के लेक्चर्स डाले थे तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ठीक है। अब देखो 5 5 क्या करोगे, 25, देन 5 1 5, इसे हम तब तक लेके जाते हैं जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। ओके, अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे 400, चलो अब हमें देखते हैं कितने में जा रहा है। देखो
पहले हमें मिला 2 × 2 × 2, देन अगेन 2 × 2, देन 5 × 5। अब हमें एक बात बताओ, आप देखो यहाँ पे 2 का 3, 3 नंबर का पेयर बन गया 2 का, एकदम करेक्ट। एक 2 बेचारा अकेला रह गया और 2 5 आपस में अकेले रह गए, इसका मतलब इसके पास कमी रह गई, इसके पास भी कमी रह गई। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप साफ साफ लिखोगे कि सिंस सिंस हियर, ठीक है, पेयरिंग नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखोगे, पेयरिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है, पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, दैट्स व्हाई। आप क्या बता दोगे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है कि ये क्यों नहीं परफेक्ट क्यूब हुआ। ओके, आपको समझ में आया होगा। क्या करा, पहले मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर मैंने देखा भाई इनका तो 3 पेयर बन गया, ये भी अकेले रह गए और ये दोनों भाई साहब भी अकेले रह गए, इनको तीन 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 लोग नहीं मिले, तो इस वजह से आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है 1728, ठीक है, बी पार्ट मैंने इसी का लिया है। इसमें आपको समझाते हैं कैसे करना है। देखो देखो, क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को इसलिए समझा जाता है ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ सको, ठीक है। थ्योरेटिकल पढ़ना इज डिफरेंट है, बट जब आप उसे क्वेश्चंस में अप्लाइड कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओके चलिए कर लेते हैं इसे। 2 8 16 करा, 2 6 12, 2 4 8, अगेन आप करोगे 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, अगेन आपने किया 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर आप करोगे देखो 2 1 2, 2 फिर 0, फिर यही सब लोग गलती कर जाते हो। क्या काम करते हो, देखो आपके दिमाग में आएगा 2 1 2, 2 8 16, जो कि गलत है। क्यों, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूं। जब आप ऐसे लेके जाते हो तो 2 1 2 तो ले गए, बहुत अच्छा भाई, 1 उतारा। अब देखो 1 इससे छोटा है, आपका इनसे काम नहीं चलेगा। आप बोलोगे भाई ये तो छोटा है, हमें एक और नंबर चाहिए, तो क्या करोगे इसके लिए, आप यहाँ पे 0 लगाओगे और इनसे रिक्वेस्ट करोगे कि आप भी नीचे आ जाओ। ये भाई सब नीचे आएंगे, फिर आप करोगे कि 2 8 16, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 108 मैंने लिखा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि हर किसी से हो, ठीक है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखने होता कैसे है, ठीक है। जब यहाँ पे नहीं जाता है तो हम इससे 0 लगा के एक हेल्प मांगते हैं कि आप भी आ जाओ नीचे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे, 2 5 10, 2 4 8, आप चलेंगे तो 2 2 4, 2 7 14, 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, माय गॉड बहुत ही लंबा गया ना। चलिए अब देखते हैं एक बार कितने कितने का पेयर बन रहा है। आप देखो इसका पेयर बना 2 का, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया ना पेयर। तो मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छे से, ऐसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ या पूरा पूरा यहाँ पे ऐसे डिनोट कर सकते हो। पहले इसका देखो पेयर बना है, फिर मल्टीप्लीकेशन किसका पेयर बना, अगेन 2 का पेयर बना, उसके बाद 3 का पेयर बना, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस हियर पेयर्स आर पॉसिबल, पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है, पेयर्स पॉसिबल है, सो 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ओके अब आप बहुत इजीली बता दिए कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं किसका क्यूब है, आपको पता होना चाहिए ये 12 का क्यूब है। अब बताओ मैंने ये कैसे तुरंत बता दिया 12 का क्यूब है, मैंने क्या किया, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको क्यूब रूट सिखाऊंगी निकालना, तब भी तो आपको यही यही वाले भाई साहब आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करा जाता है उसमें, उसमें जब क्यूब रूट लगा दोगे तो एक एक पेयर बाहर निकालोगे, जैसे स्क्वायर में एक पेयर बस से एक नंबर बाहर निकालते थे, वैसे यहाँ पे 3 वाले जो एक पेयर बन रहा है उससे एक नंबर बाहर निकाला, यहाँ से भी बाहर निकाला, यहाँ से भी बाहर निकाला, तीनों कर दिया मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 2 4, 4 3 12, बस उस अकॉर्डिंग आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 12 को, ठीक है। ये जब मैं क्यूब रूट पढ़ाऊंगी आपको तो अभी आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप यहाँ पे बस इतनी बात समझिए कि कैसे आप किसी भी नंबर को बता सकते हो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, आप उसके पेयर्स ही चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 900, ठीक है, 9000, सॉरी 9000, चलिए इसका फटाफट निकाल लेते हैं। ये 3 से मान लीजिए चलिए आप जा रहे हैं, फिर अगेन 1000 हो गया, फिर 2 से कर लो 2 5 10, 0, फिर 2 2 4, 2 5 10, ठीक है, फिर आप ले गए 2 1 2, 2 2 4, ओके, देन आपका कितना आ गया 2 5 10, फिर आप कह गए तो 5 2 10, 5 5 20, 5, देन 5 5 5, 5 1 5, तो इस अकॉर्डिंग आप देखो आपका कितना बैठा, आपका यहाँ पे बैठ रहा है 9000, और आप देखो इसका पेयरिंग नहीं हुआ, इसका पेयरिंग हो गया, इसका भी पेयरिंग हो गया,
ठीक है, अगर एक भी नंबर का पेयरिंग नहीं हुआ तो आप तुरंत बोलोगे कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इस तरीके से कि आपका क्या बना, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस हेयर, ऐसे आप दिखा भी सकते हो कि सिंस हेयर थ्री इज नॉट पेयर्ड इन थ्री ग्रुप्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, इज नॉट पेयर्ड इन थ्री ग्रुप्स, ठीक है। थ्री ग्रुप्स में पेयर्ड नहीं है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये जो आपका नंबर गिवन है 9000, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ओके। इस अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया, ओके। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कैसे था, आपको पहले पहचानना था परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट्स आर अ परफेक्ट क्यूब। अब क्या काम करना है, अब आप ये काम करोगे, देखो अगर वो कोई भी नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आपसे पूछेगा कि हम उसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लीकेशन कर दे कि वो भाई साहब परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 100, 100, चलो पहले मैंने करा 2 5 10। सबसे पहले मैं इसका प्रेजेंटेशन निकाल के देखता हूँ, पहले मामला है क्या, देखो। फिर मैं ले गई 25, फिर ले गई तो 5 5 25, 5 5। अब जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों? Here 2 and 5 is not paired in three groups. दिख रहा है? Exactly देखो, ध्यान से आपको दिख रहा है, यहाँ 2 multiply 2 है और यहाँ पे 5 multiply 5 है। तो भाई ये दोनों भाई साहब कैसे दिख रहे हैं, इनका तो पेयरिंग है ही नहीं, तो है ही नहीं परफेक्ट क्यूब। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, कहा था स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई किया जाए, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करा है, मल्टीप्लाई ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो क्या काम करोगे, अच्छा ये बताइए इसमें से क्या मल्टीप्लाई कर दो कि ये भाई साहब बन जाए परफेक्ट क्यूब। अगर मैं देखो इसकी पेयरिंग हुई नहीं ना, ये अधूरे रह गए, इनका ले आओ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूं, इनका काम बन गया, लेकिन अभी भी ये 5 वाला प्रॉब्लम कर रहा है। अब क्या करूं, एक 5 भी लाके एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। अब देखो अब तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अब मैं कह सकती हूँ कि इनका भी एक पेयर बन गया, इनका भी एक पेयर बन गया, भाई बात बन गई ना, तो इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट क्यूब। लेकिन क्या काम करा मैंने, 5 और 2 मल्टीप्लीकेशन किया है, दैट इज मैंने 100, क्वेश्चन तो मेरा 100 था, 100 में ही तो मैंने 2 और 5 मल्टीप्लाई किया है, ये जो आपको ब्रेक डाउन करके लिखा है ये 100 का ही तो लिखा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सेंस बन गया, 5 2 10, ठीक है 10 मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया देखो 1000 बन गया, 1000 बन गया आपको, कितना बन गया 1000। इसका मतलब आपने क्या करा, देखो तो आपको आंसर देना क्या, आपको आंसर ये देना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई, क्या देना है आंसर, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया जाए। अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिखो, लैंग्वेज में थोड़ा सा आप बता रही हूँ, आप ऐसे लिखोगे कि सिंस हियर 2 and 5 आर नॉट पेयर्ड, ठीक है वो पेयर्ड नहीं है, क्या करेंगे तो वी मल्टीप्लाई बाई 10, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 और 5 से, 10 ही तो बोलूंगी मैं से, 10 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब उसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी। यही तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या मल्टीप्लाई कर दे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गिवन है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर बताया, पूछा था सबसे छोटा नंबर क्या क्या मल्टीप्लाई कर दे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन किया, ओके। तो आपको यहाँ पे मिल गया इसका बहुत ही इजिली से आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का पार्ट है, जिसमें अगेन आपको यही चीज बतानी कि क्या मल्टीप्लाई कर दी जाए, ठीक है चलिए इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 132 का करना है, तो उसे फटाफट निकाल लो, 2 6 12, फिर अगेन आपने करा तो कितना आ जाएगा 2 6 12। अब देखो क्या करेंगे, 2 3 6, 2 3 6 अगेन करोगे, 3 1 3, अब क्या करोगे 11 11। अब हुआ क्या, 132 को फटाफट लिख लो, वो कह रहा है 2 multiply 2 3 multiply 11। अब आ जाओ क्या क्या प्रॉब्लम आ गई, एक का भी पेयर दिख रहा है नो, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सिंस हेयर, सिंस आप यहाँ पे साफ साफ लिखो सिंस हेयर 2 3 11 आर नॉट पेयर्ड, ये सब पेयर्ड है ही नहीं ना, आर नॉट पेयर्ड इन थ्री ग्रुप, आप ऐसे बता सकते हो कि आपको थ्री ग्रुप्स का चाहिए। अच्छा जी अगर यहाँ पे स्क्वायर की बात होती तब क्या बोलते, तब तो इनकी पेयरिंग हम बोलते कि 2 की पेयरिंग है, 3 और 11 की नहीं पेयरिंग। ध्यान रखिएगा स्क्वायर का जब बात करूंगी तो 2 का चलता है, क्यूब में 3 का नंबर चलता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो
टू थ्री इलेवन आर नॉट पेयर्ड इन थ्री ग्रुप्स, सो वी मल्टीप्लाई बाय, किससे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले किसकी कमी आ रही है, एक टू की आ रही है ना कमी, तो एक टू से कर देती हूँ। फिर एक ही तो तीन है भाई, मेरे को दो थ्री चाहिए तभी तो थ्री का ग्रुप बनेगा, दो तीन मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब एक ही इलेवन है ना, दो इलेवन और चाहिए, सोचिए मुझे इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इसमें 132 में, तो क्या किया जाए? यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 132 में टू से कर रहे हैं, थ्री से कर रहे हैं, थ्री से कर रहे हैं, इलेवन से कर रहे हैं, इलेवन से कर रहे। चलो फटाफट इससे मैं कर लेती हूँ मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले आपने करा यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप करके देख लो, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और पहले इसे इसे हम कर लेते हैं, आपको जाएगा 2 2 4, 4 3 6 2 2, फिर आपने यहाँ पे कर लिया 9 से, फिर आपका 11 और 11, चलो इससे कर लेते हैं, तो 4 9 आपका आ जाएगा 36, और 9 6 आपका 50, और आपने 3 ऐड कर लिया तो कितना हो गया आपका 57, फिर 9 2 आपका 18, और 8 5 13 23 मल्टीप्लाई कर दो 121 से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 2 3 7 6 को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 121 से, हमारा काफी लंबा क्वेश्चन चला गया। 6 6 7 3 यहाँ पे कर लिए तो कितना गया, 2 6 12 7 2 45, फिर आपने करा तो कितना चला गया 6 7 3 2, बस इस एड अप कर लो, 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 8 8 8 14, फिर आपका 7 2 9 9 1 10 17, फिर 4 3 7 8 ना आ गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 8 7 9 6, ये आपका कंप्लीट बना। देखो आप समझ में, क्वेश्चन मुझसे ये नहीं पूछे थे कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, मुझसे खाली पूछा गया था कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर तो यहीं तक रहेगा, ठीक है। मैंने आपको करके बता दिया उसमें मल्टीप्लीकेशन करके, जबकि आपका आंसर होगा क्या कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 3 3 9, 9 2 18, दैट इज 18 मल्टीप्लाई 121, जो भी आपका आएगा यही आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई 121, ठीक है। आप चौथे से करके भी देख लो फटाफट, 2 मिनट लगेंगे। 8 8 8 16 9, फिर आपने कहा 1 2, बस वो नंबर क्या हो गया स्मॉलेस्ट, वो आपका हो गया 2 1 7 8, ठीक है। 2 1 7 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड इनटू 132 सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट, ठीक है, तभी आपका परफेक्ट क्यूब बन सकेगा। चलिए मूव करते हैं सी पार्ट पे, आपका सी पार्ट क्या है, 500, ठीक है। क्या है 500 को, आप पहले मैं करती हूँ 2 2 4, 2 5 10 0, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। हाँ ओके, अब यहाँ पे क्या क्या करोगे, 2 से जाएगा नहीं तो 5 से लेके जाती हूँ, क्योंकि देखो लास्ट में 5 8 रूल के अकॉर्डिंग, तो 5 2 10 चला गया, 5 5 25, फिर 5 5 25 5 5, देखो मुझे क्या मिला, मुझे 500 ऐसा कुछ मिला है, 2 मल्टीप्लाई 2 मिला है, और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब चलो फटाफट देख लो किसकी पेयरिंग हुई है, भाई इनकी तो पेयरिंग हो गई, इनकी पेयरिंग हो चुकी है, देखिए इनकी पेयरिंग नहीं हुई है, मैं क्या लिखूंगी, हेयर 2 इज नॉट पेयर्ड इन थ्री ग्रुप्स, ठीक है, थ्री ग्रुप्स, तो मुझे आप मल्टीप्लीकेशन का पूछा था, ओके तो मैं क्या लिखूंगी, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 की ही तो कमी है, 2 से कर दो मल्टीप्लीकेशन, सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब, इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। हम किससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। चाहो तो आप इसे करके भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका बन जाएगा 1000, और आपको पता है 1000 का आपका क्यूब निकल जाएगा जो हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि इसमें पॉसिबल है। अब देख लो वो क्वेश्चन है क्या, समझा दो थोड़ा आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया डिवाइडेड, मतलब मैं ऐसा क्या डिवाइड कर दूं कि वो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी तक मैं क्या कर रही थी, मल्टीप्लीकेशन कर रही थी, अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूँ। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्या है 6 7 5, सबसे पहले आप सही काम करो, इसका निकालो, 5 करो कितना आ गया 5, ठीक है, फिर 5 50, 5 20, 5 20,
फिर ले गए तो 5 टू 10 5 7 जा 3, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये जो 625 है ये ऐसा बैठ रहा है। देखो पहले मैं इसे लिख देती हूँ अच्छे से, अब आपको देखो कुछ तो दिखेगा। देखो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका तो पेयर बन गया कि तो भैया बल्ले बल्ले हो गई। इनका क्या प्रॉब्लम हो गया, इनका तो पेयर नहीं बन रहा है। और मुझसे कहा क्या गया है, देखिए क्वेश्चन में समझिएगा, मुझसे ये नहीं कहा गया क्या मल्टीप्लाई कर। अगर क्वेश्चन में ये होता तो मैं यहाँ पे साफ साफ आंसर इस सिंगल से दे देती, मल्टीप्लाई बाई 5 ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए, बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है डिवाइडेड, तो क्या करा जाए? डिवाइड का मतलब क्या है, क्या हटा दूं यहाँ से, क्या हटा दूं भाई? डिवाइड करने मतलब क्या है कि क्या इसमें आप डिवाइड कर दोगे कि परफेक्ट क्यूब बने? तो यही दोनों तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम है ना ये दोनों दोनों क्या है, प्रॉब्लम। क्योंकि यही दोनों तो इसको परफेक्ट क्यूब बनने नहीं दे रहे ना, ये तो दोनों बनने नहीं दे रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को हटा देंगे। आप क्या लिखेंगे, सिंस हियर, क्या बोलोगे, 5 इज नॉट पेयर्ड, 5 आपका पेयर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 जब पेयर्ड नहीं है तो हम बोलेंगे सो वी विल डिवाइड बाई 25 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अब आप सोचिए मैंने 25 क्यों बोला, मैंने 5 बोला भाई, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक ही तो 5 उड़ेगा, अभी भी तो एक प्रॉब्लम करेगा। तो मुझे इन दोनों को भगाना है, मैं क्या काम करूंगी, मैं यही बोलूंगी ना कि आप 25 से डिवाइड कर देंगे, बस मेरे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या आगे 25, मेरा आंसर तो आ चुका है इजिली। अब अगर आप चाहो आपको फाइनल देखना है, देखो अगर 6 675 तो नहीं है, आपको दिख गया परफेक्ट क्यूब, क्यों नहीं है? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। 25 से जैसे मैं डिवाइड करूंगी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा देखो 25 टू जाओ कितना होता है आपका 50 होता है, उसके बाद आपका हो जाएगा 25, आपका जाएगा 5 5 ना ना 25 7 बचा है क्या, 25 पहले आपने करा टू ना 50 चला गया, फिर आपको मिल गया 125। तब कह सकते हो 25 आपका कितना चला जाएगा यहाँ पे, 25 2 25 3 ना मिल जाना चाहिए, क्या 25 3 जा आपका हो जाएगा 25, 25 3 जा आपका हो जाएगा 6 6 7 9 जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे होना चाहिए 2 7 बचा है, हाँ 7 3 20 1 ना 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 आपको यहाँ पे असल 25 7 चले जाओ 10 5 30 5 7 14 हाँ ठीक है, तो आप लोगों को 7 चला गया। नंबर क्या मिला आपको 27, क्या 27 परफेक्ट क्यूब नहीं है? ये तो है ना 27 3 का परफेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 25। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको 700 ध्यान रखिएगा डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो 2 3 जा ले जाओगे पहले 6, 2 5 10, 2 2 4, फिर ले जाएंगे 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर आप करोगे 2 8 16 करा, फिर 2 8 16, 2 4 जाए 2 4 जाए, फिर करोगे 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 11 1 11, क्या बना देखो इन दोनों का पेयर बन गया। 704 में आपको क्या दिख रहा है, इसका तो पेयर बन गया, ये 2 का क्यूब बन गया, ये भी 2 का क्यूब, प्रॉब्लम कौन कर रहा है 11। अब ये मत सोचिएगा मैंने क्यूब कैसे लिख दिया, 2 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो जाती है, मैंने एक्सपोनेंट लॉ में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहां पे क्लियरली मैं समझाया। मैंने क्या करा, मैं इसको लिख दिया 2 का क्यूब, यहाँ भी 2 का क्यूब, अभी क्या है 11, अब क्या लिखोगे यहाँ पे ऐसे तो बताओगे, सिंस 11 इज नॉट पेयर्ड, 11 इज नॉट पेयर्ड, तो क्या करा जाए, इनको भगाना पड़ेगा ना क्योंकि मुझे डिवाइड करना है, मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन था तो मैं 2 11 और ले आती, ठीक है डिवीजन का क्वेश्चन है तो मैं इसको भगाऊंगी, मैं क्या लिखूंगी, सो वी विल डिवाइड बाय 11, ठीक है टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, हम इसमें 11 से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन सके, ठीक है तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके अगर आपसे बोलता कि व्हाट विल बी द नंबर, ठीक है उसका भी निकालिए परफेक्ट क्यूब, तो आप करते, बाकी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो आपका इजीली आंसर यही था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका सी पार्ट है जो कि है 118, चलिए इसे फटाफट देख लेते हैं। पहले आपने करा तो 2 5 10 गया, 2 9 18, 2 4 8, फिर आपने करा 2 4, ठीक है फिर 2 9 18, 2 7 4, फिर देखो ये 2 से जाएगा नहीं, आप इसे देखोगे तो ये 3 से जाना चाहिए, 3 9 27, फिर आपको 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, 11 3 11 11 1, इसका पेयरिंग हो गया। देखो 1 1 8 8 जब मैं लिखती हूँ तो यहाँ मुझे मिल रहा है 2 का स्क्वायर और मुझे मिल रहा है 3 का क्यूब और मुझे मिल रहा है 11, मतलब 11 खाली,
अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे टीवेट का क्वेश्चन है भाई, ये भी दिक्कत कर रहा है, ये भी दिक्कत कर रहा है, ये तो खुश है ना, ये तो अपना बस चंगा, क्योंकि इसने तो ठेका क्यों बना ही रखा है ऑलरेडी। मैं क्या लिखूंगी, सिंस हियर 2 and 11 आर नॉट पेयर्ड इन थ्री ग्रुप्स, ठीक है, थ्री ग्रुप्स में पेयर्ड नहीं है, ठीक है, सो वी विल डिवाइड। हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाय। अब यही सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, आपको 2 और 11 से डिवाइड नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर है, मतलब मैं क्या बोलूंगी, 4 से डिवाइड और 11 से डिवाइड, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मैं बोलूंगी हमें 44 से डिवाइड करना पड़ेगा, वी विल डिवाइड बाय 44 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन सके। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 44 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो बहुत ही इजिली हमारा यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आपको यही तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक भी नंबर छूटा नहीं चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे 2 का स्क्वायर देखा, तो आपको पूरी तरह इसको रिमूव करना है, इसको भी पूरी तरह रिमूव, रिमूव करने का सेंस क्या हो गया कि आप उसको डिवाइड ही तो कर सकते हो ना, ठीक है, और जबकि मल्टीप्लीकेशन में आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना। ओके, तो यही आपका बेसिक डिफरेंस था परफेक्ट क्यूब में, कि आप कैसे पहचानोगे और कैसे इसको क्रिएट करोगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने सारे क्वेश्चन देखे। देखिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, ये परफेक्ट क्यूब्स के सारे क्वेश्चन थे जो कि इसमें पॉसिबल थे, ठीक है। परफेक्ट क्यूब से आपसे मेनली 3 तरह के क्वेश्चन करे जाते हैं। ओके, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आपको पहचानना होता है परफेक्ट क्यूब क्या होता है, फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब मैं क्या ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। उसके बाद आपका होता है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड, क्या आप डिवाइड कर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, किस तरह अप्लाई करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में चलता है स्क्वायर के क्वेश्चन और आप उसे लिंक कर देते हो क्यूब से, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप खुद ही देख रहे हैं, चैप्टर समझ रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है देखा जाए तो, क्योंकि वहां पे स्क्वायर की बात होती है, यहाँ क्यूब की बात होती है, ठीक है, बट मेथड्स आप देखोगे तो सेम है, इसीलिए स्क्वायर के बाद क्यूब पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस क्लियरली, सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आओगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो स्किप ना हो। ओके, देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं वीडियोस के, एंड आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं जो कि आपके माइंड बूस्टिंग के लिए काफी हेल्प होते हैं, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको काफी हेल्प मिले। एंड यस, ये जो आपको यहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, इसका आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके लिंक जहां से आप उसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपके डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।